शिक्षक वृंद, अभिभावकगण व प्यारे बच्चों, शारीरिक शिक्षा, खेलकूद, योगासन एवं नैतिक शिक्षा विषय के रूप में मैं आज आपको हम किस तरह से अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं, क्या करके हम प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं, इसी श्रृंखला में मैंने आपको 21 जून को किए जाने वाले आसनों के संदर्भ में बताया था और उसी कड़ी में प्रारंभिक रूप में मैंने किस तरह से कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए क्या उपाय किए जाएं इसके संदर्भ में बताया था। दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सूक्ष्म व्यायाम यानी जब भी हम कोई शारीरिक क्रिया करते हैं, खेलकूद से संबंधित, योगासन से संबंधित, तो हमें सामान्य रूप से अपने शरीर को गर्माना होता है या विशेष रूप से अपने शरीर को गर्माना होता है। तो उसी श्रृंखला में मैंने आपको कल के वीडियो में बताया कि सूक्ष्म व्यायाम किस तरह किए जाएं, जैसे गर्दन का व्यायाम, कंधे का व्यायाम, कमर का व्यायाम और घुटने का व्यायाम। इस श्रृंखला को पूरा करते हुए मैं अगली कड़ी में पहुंच चुका हूं। अब हमें योगासनों की जो श्रृंखला है उसके अंतर्गत खड़े होकर, बैठकर, पेट के बल लेटकर, पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों के संदर्भ में आपको बताऊंगा और साथ ही उनको करके मैं आपको दिखाऊंगा। उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से इस वीडियो को देखेंगे और अपने व्यवहारिक जीवन में जैसे कि आप पूर्व में करते रहे हैं और लोगों को जोड़ेंगे। सबसे पहले मैं जो व्यायाम करने जा रहा हूं उसका नाम है ताड़ासन। ताड़ासन से अभिप्राय है ताड़ की तरह या खजूर की तरह। सबसे पहले हम अपने हाथों को संतुलित अवस्था में अपने आप को खड़ा करेंगे और अपने हाथों को सामने लाते हुए अपनी उंगलियों को आपस में लॉक करेंगे। धीरे 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 हम इसको आगे लाते हुए अपने पंजों के बल उठते हुए हाथ को सीधा ऊपर ले जाएंगे और कुछ समय हम इसी स्थिति में अपने आप को रोकेंगे। इस तरह से इस आसन को ताड़ासन कहा जाता है। जो ग्रोइंग बॉय हैं, बच्चे हैं, 18 वर्ष से कम उम्र के आयु के बच्चे, वो जो है जब इस आसन को करते हैं तो उनकी लंबाई, उनकी रीढ़ की हड्डी, उनकी मांसपेशियां, उनके कंधे मजबूत होते हैं। धीरे धीरे हम अपने हाथों को सामने लाएंगे और अपने पैर को नीचे लाते हुए हाथ बगल में, ये आसन को ताड़ासन कहा जाता है।